साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है सर। परेशानी है ये जो दो तीन दवा बाहर से ला रहे हैं जो बहुत हाई रेट में मिल रहा है सर। नमस्कार, आज नेशन वन की टीम पहुंची है, दून हॉस्पिटल आया है। ये जानते हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं उनके क्या सुझाव हैं, कि हॉस्पिटल किस तरीके से बेहतर हो सकता है और उनकी किस क्या शिकायतें हैं जिनको लेकर वो चाहते हैं कि सरकार कुछ करे। आइए बात करते हैं जनता से। आपका नाम? आदित्य कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि दून हॉस्पिटल में कोई समस्या ऐसी है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़ रहा है, या आप सरकार को क्या सुझाव देना सर, चाहेंगे? परेशानी कुछ नहीं है सर। परेशानी है ये जो दो तीन दवा बाहर से ला रहे हैं जो बहुत हाई रेट में मिल रहा है सर। बाकी कुछ नहीं है सर, डॉक्टर भी अच्छे बिहेवियर कर सब दिखते हैं। जो यहाँ पे जन आयुर्वेदिक केंद्र खोला गया है वहाँ से दवाइयाँ क्यों नहीं ली सर? पता नहीं सर, ये तो बाहर से लेने के लिए सर तुम लोग लेके आए जिस काउंटर से, अब आयुर्वेदिक है कि नहीं सर ये तो मुझे पता नहीं सर। लेकिन जहाँ तक की बात है, एक जो दवा बहुत महंगा मिल रही है, दो दवा लेने के 500 पड़ गई, वो यहाँ भी मिल सकते हैं, लेकिन नहीं है, वही फैसिलिटी नहीं है ना हर दवा की अवेलेबिलिटी। और यहाँ पे एक जन सेवा केंद्र भी है, जन आयुर्वेदिक केंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, वहाँ से आपने पता किया दवाइयों का? नहीं सर, अभी तो हमें पता नहीं था ना कि यहाँ पे खुले, पिछले साल आए थे तो सर नहीं था। वहाँ रेट से सस्ते दवाइयाँ मिलती हैं सर, अभी तो पता नहीं था, हमें तो बहुत बोला जाता है बाहर से ले लीजिए, तो हम लोग बाहर से ही लेके आते हैं। आपको बोला गया था डॉक्टर के द्वारा बाहर से? बस बाहर जो योजना खुली उसे पता नहीं है। बस ये सर जो दवा की है वो गवर्नमेंट ठीक कर देना हम लोग के लिए, तो फायदा होता है हम लोग के। बाकी सब सही है? बाकी सब सही, डॉक्टर का बिहेवियर भी सही है, अच्छी तरह से देखना ओखना, टाइम देना, ये सब बहुत अच्छी बात है। जो आपको बेहतर मिल रही है, और आप सरकार से क्या चाहते हैं कि वो किस तरीके से दून हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर करें? दून हॉस्पिटल के अंदर सबसे ये है कि सारी सुविधाएं अच्छी हैं, डॉक्टर बहुत लायक हैं, ये आपको बता दूं मैं। हाँ नहीं नहीं, डॉक्टर बहुत लायक हैं। यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग की सुविधा है, लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट सारी इस बिल्डिंग की लिफ्ट खराब है, वहाँ वहाँ सब ठीक है, डॉक्टर बहुत लायक हैं और पूरी कर्मठता से काम करते हैं। सरकार की तरफ से सरकार तो मतलब सुविधा दे ही रही है, और क्या दे सकती है वो, तो ऐसा ना कि वो सब कुछ भी कर दे तब भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होने वाले, ठीक है ना। बाकी यहाँ डॉक्टर्स बहुत अच्छे लायक हैं, बहुत काम करते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कि ये कुछ बिल्डिंग में कुछ कमियाँ हैं, जैसे लिफ्ट वहाँ की ख़राब पड़ी है, वो ख़राब पड़ी है, उसकी तरफ ध्यान दें। बाकी मरीज ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस चक्कर में, ओल्ड एज वाले को ले जाने में दिक्कत। हाँ हाँ, वही दिक्कत होती है। बाकी जो डॉक्टर यहाँ बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी तो मेरे समझ में तो कुछ नहीं, गवर्नमेंट जितना कर सकती है खुद बेटर ही कर रही है, और वैसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि जिसके लिए आप बोल सरकार को कहना चाहते हो कि ये सुविधा दे दो या नहीं? परेशानी तो कुछ नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। इलाज पूरा हाँ, पूरा इलाज है, और भर्ती नहीं कर रहे हैं, एडमिट नहीं करते हैं, बेड की दिक्कत है। अब इमरजेंसी में तो आईसीयू में हम थे, 3 दिन तक 4 दिन तक बेड ही नहीं खाली था, इनकी बहुत हालत ख़राब थी उस टाइम पे। बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। जी जी, बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, और ये चीज़ है, यही चीज़ की कमी है बस थोड़ी, बाकी तो ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ, साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है। अभी मैं, हमारे एक पेशेंट है यहाँ, उसको देखने गया था मैं, तो देखा तो बहुत बुरी हालत है, बाथरूम गंदे हैं, आसपास का जगह गंदा है। मेन चीज़ जो स्वास्थ्य के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, और तो कई चीज़ें हैं उसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। मतलब दवाइयों का क्या है, दवाइयाँ यहाँ से अंदर से मिल जाती हैं? देखिए साहब, हमारा दवाई से यहाँ संबंध नहीं है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायरमेंट है, तो हमारा तो यहाँ से मतलब कुछ है नहीं दवाई का, पर कभी कभी हाथ में आना जाना पड़ता है किसी के उसमें, तो सफाई का तो कोई खास व्यवस्था नहीं, सफाई की व्यवस्था नहीं है। नहीं। और क्या क्या साथ में और क्या क्या परेशानियां हैं जो आप चाहते हैं सरकार उसके लिए काम करे? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि सरकार को स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा काम करना चाहिए। देखिए जैसे स्टाफ है, तो स्टाफ भी कई जगह तक तो ठीक है, कई जगह थोड़ा लापरवाही कर देते हैं, जैसे लोगों की शिकायत है तो स्टाफ में थोड़ी लापरवाही हो जाती है कभी कभी। बाकी तो ठीक ही चल रहा है, गवर्नमेंट में ऐसे ही चलता है, लेकिन थोड़ा और अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये हमारा कहना है। साफ सफाई मेन है, लेकिन समस्याएं जो है, ये अभी मेडिकल कॉलेज बना दिया है तो उससे जो है थोड़ी सुविधा मुझे आज दिखी, तो प्रॉब्लम तो बाथरूम इधर उधर हर चीज़ की है, लेकिन ऐसा है, ये जनता की भी खामी है। सबसे बड़ी बात है कि जनता जो है, अब नया देख रहा हूँ मैं सिस्टम, बाथरूम चले जाओ, पीकदान बना रखा है, बुरा हल कर रखा है,
टूटियां उतार के ले गए हैं। खाली प्रशासन को दोष नहीं देना है, जो हैं जनता का भी फर्ज है कि वो जो है आपको कोई सुविधा मिल रही है और दूर दराज के लोग आ रहे हैं, सुविधा पा रहे हैं, तो आपको ठीक से रहना चाहिए, नागरिकों का ये दायित्व है। सरकार से क्या आप चाहते हो कि कोई राय आपकी? हाँ, तो बस इसी तरह से जो है, जो ये चल रहा है इसका डेवलपमेंट का काम, ये थोड़ा और अच्छे उसमें होना चाहिए। और अभी उधर बिल्डिंग बन रही है, खैर ऐसा नहीं है, यहाँ ज़्यादातर डॉक्टर कॉपरेट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको जो है अपने उसमें बुलाएंगे, आपको नंबर फ़ोन नंबर दे देंगे, आप इनके प्राइवेट उसमें जाइए और वहाँ आपको देखेंगे 400-500 रुपए लेके, और ऐसा है। बाकी तो यही आपकी समस्या है? ना ना, ऐसी कोई बड़ी नहीं है, ठीक है। फिर कि दून हॉस्पिटल में आप इलाज कराने आए हैं, तो आपको क्या दिक्कतें नजर आती हैं? जिसके लिए हो रहे, दिक्कत क्या है? और बरान हो रहे सुबह के, यहाँ इधर से उधर ही घूम रहे। और कोई ऐसी जाँच जूँच करानी थी यहाँ? कुछ भी नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं वहाँ चले जाओ, वो कह दूसरे कह रहे हैं वहाँ चले जाओ, सुबह से बरान हो रहे, सहारनपुर से आए हम, घूम ही रहे, घूम ही रहे बस। हाँ पर्चा है, आज का ही है पर्चा सुबह का, और भी रिपोर्ट है, पहले चेकअप चुकअप करे। डॉक्टर से मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई, मुलाकात हुई, वहाँ भी हुई, उन्होंने कह दिया जी भी जांच होनी होने की है वहाँ अंदर, कल ही हो पाई। हाँ, आप यहाँ रह रहे हो या सहारनपुर से आए थे? तड़क के चले गए हम। इस बोर्ड में लिखा है सरकारी अस्पताल, अगर सरकारी अस्पताल है तो इसका मतलब है कि इसकी व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, और मुझे तो ऐसा लगा नहीं। लगभग 2 हफ्ते से मेरा यहाँ भाई एडमिट था। सबसे पहले होता है कि मरीज़ यहाँ इसलिए आता है ताकि उसका स्वास्थ्य बने, है ना, जब यहाँ सफाई होगी तभी तो स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। बेडरूम के बगल में डस्टबिन रखा हुआ है, मैंने एक नर्स से कहा कि मैम ये डस्टबिन बाहर रख दीजिए, वो कहते हैं कि चोरी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डस्टबिन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है मरीजों के स्वास्थ्य से, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, मैं मानता हूँ नरेंद्र सिंह मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभारी भी हूँ, उन्होंने सफाई हेतु बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए, गंगा सफाई अभियान भी किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारा घर स्वस्थ नहीं है, जब तक अस्पताल में सफाई नहीं है, तो गंगा कैसे साफ हो सकती है ना। अब आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए जो शौचालय है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैंने खुद वहाँ रस्सी पकड़ करके लैटिन करी है, मैं देखता हूँ कि ये जस्ट अंदर है ना। हाँ, मैं आपको भी ले जाऊँगा, मैं दिखाऊँगा। मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, परंतु देश का नागरिक होने के कारण मैं, मेरा ये हक बनता है कि मैं अपने विचार खुल के आप लोगों के सामने व्यक्त कर सकूँ, और ये मेरा हक बनता है। तो आप ये देखिए कि शौचालय में लैटिन के गट्ठर जमाएँ, मैंने फेसबुक में देखता हूँ, सोशल मीडिया में देखता हूँ, जितने भी विधायक हैं और जितने भी पार्षद हैं वो हमेशा मंत्रियों के साथ तो बड़ा फ़ोटो खिंचाते हैं, गुलदस्ते के साथ, क्या उन्होंने कभी भी इस दयनीय स्थिति के सामने आकर के फ़ोटो खिंचाई? ये लोग अब खुद को देश के रक्षक बताते हैं, मैं ऐसे लोगों को देश का भक्षक कहूँगा। मरीज बिल्कुल भटक रहे हैं कुत्तों की तरह, इससे तो अंग्रेज थे। अब आप देखिए कि एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है कि हाँ भाई ये वार्ड कहाँ है, ये वार्ड कहाँ है, कितनी मानसिक प्रताड़ना मिल रही है लोगों को, क्या लोग फ्री हैं? मेरा ये प्रश्न है, मतलब ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, क्या भविष्य है इनका? ये देश का भविष्य बनाएंगे? अभी से लोग अस्पताल में आ रहे हैं, इससे अच्छा तो अंग्रेज थे। आज हम अपने देश के गुलाम हैं, कोई हमें भेज रहा है यहाँ, कोई कह रहा है, गार्ड कह रहे हैं गाड़ी मत लगाओ यहाँ, उनका गाड़ी पे ध्यान है, इन लोगों का सफाई में ध्यान नहीं है। अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ अपनी बाइक लगा लेता हूँ, क्या गलती है? रोड फट जाएगी क्या? इन लोगों ने कभी, जो यहाँ के गार्ड हैं, इन लोगों ने कभी ये विरोध किया कि यहाँ जो है लैट्रिन साफ होनी चाहिए? क्या ये गार्ड कभी ऐसे पकड़ के, फॉर एग्जाम्पल ना, कोई वृद्ध नहीं दिख रहा अभी मुझे यहाँ, क्या किसी वृद्ध को पकड़ करके ये लोग कभी ले गए क्या? ये साइकेट्री डिपार्टमेंट है, यहाँ तो कोई गाइडर ही नहीं है। पिकनिक स्पॉट में तो बड़े गाइडर होते हैं, जो पब होते हैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो पब जो बार देखे होंगे आपने, वो बताते हैं कि हाँ यार इस बार में ये मिलता है, यहाँ क्यों नहीं है गाइडर कोई भी? आपको भटकना पड़ता है अपने मरीज को। अरे लोग तो परेशान है, उन्हें तो अटेंडेंट नहीं मिलता। कोई बिल्कुल पर्ची अभी मैं खुद अभी पर्ची कटवा के आया अपने मित्र की, डॉक्टर साहब कोई एक टाइम तो निर्धारित होना चाहिए ना, लोग 7 बजे से कुत्तों की तरह खड़े हैं लाइन में, बिल्कुल डॉक्टर आ रहे हैं 10:30 बजे, कोई आ रहे हैं 11 बजे, मतलब ये क्या चक्कर है? जो दवाइयाँ हैं, जो डॉक्टर दवाइयाँ लिख रहे हैं, हाँ यहाँ जन औषधि केंद्रों में
मिल जा रही है यहां से? कुछ कुछ तो मिल जाती है, लेकिन अधिकतर तो मैं बाहर से लेता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। एक डॉक्टर नितनव है दून अस्पताल में, वो साक्षात भगवान का रूप है। वो इतने अच्छे इंसान है, मतलब कभी भी जल्दीबाजी नहीं करते। मैं दून अस्पताल की तारीफ भी करूँगा, मैं खुद यहाँ से सही हुआ हूँ, मेरा खुद यहाँ फिजिशियन के द्वारा इलाज चला था, मैं बुराई नहीं कर रहा। लेकिन सर दिक्कत ये है कि ना, जो गरीब जो यहाँ डिपेंड है, सरकारी अस्पताल में निर्भर करता है, तो उन्हें तो पूरी मदद मिलनी चाहिए ना। प्राइवेट अस्पताल में दुनिया भर के लुटेरे बैठे हुए हैं, वहाँ सफाई भी है, परंतु जो गरीब है वो जाएगा कहाँ? जो मध्यम वर्गीय है वो जाएगा कहाँ? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ना। जो बड़े हैं वो लोग तो अस्पतालों में जा सकते हैं, परंतु हम जैसे छोटे छोटे लोग कहाँ जाएंगे? हमारी तो कोई सुनी नहीं रहा है बिल्कुल। डॉक्टर बिल्कुल टाई लगा करके ऐसे रौब दिखा रहे हैं जैसे कि भगवान होंगे वो। टाइम पे भी नहीं पहुँचते हैं, कभी 11 बजे आ रहे हैं, कभी 10:30 बजे आ रहे हैं। हमारा कोई और काम नहीं रह गया। मैं अभी जैसे 26 साल का हूँ, मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं क्या तैयारी करूँगा अगर मैं अस्पताल के चक्कर काटते रह गया तो? ये जो छोटी बच्ची है ये क्या तैयारी करेगी? हम एक साल से भाग रहे हैं यहाँ पे। हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ आते हुए, यहीं पे आते हैं हम लोग भी। ये देखो इसका गला खराब हो रखा है, हम कितने दिनों से भाग रहे हैं इसके टाइम पे। वो पहले बोला था ऑपरेशन के लिए, अब फिर बोला कि जांच कराओ इसकी। अब गरीब इंसान कहाँ कहाँ भागेगा? यहाँ सारी जांचें उपलब्ध है, यहाँ से नहीं होता है, यहाँ बाहर करवाओ जांचें। और गोलियां भी अभी भी बोल रहे कि बाहर से लो जाके, लिखा है 2-3 जगह पता कर लिया, वहाँ भी नहीं है। जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, उसमें भी मना कर दिया कि उसमें भी नहीं है, उसमें नहीं है दवाई। हाँ जी, इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है कि नहीं? नहीं, नए वाले में भी देख लिया जाके, वहाँ इसमें पुराने वाले में भी देख लिया कि उसमें भी नहीं है। यहाँ से लिया है, अभी पैसे नहीं पास में तो कहाँ से लें? सब कुछ हाँ सब कुछ बाहर से लिख देते हैं। एक आध दवाई देते हैं, क्या देते हैं? कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम की दवाई मिलती है यहाँ से, बाकी सब बाहर से लिखते हैं। सुविधाएं कैसी हैं? बाथरूम साफ है, सफाई व्यवस्था कैसी है? हाँ कुछ साफ है, जो बस बाकी जो लोग जाते हैं वो गंदा ही रहता है बहुत ज्यादा। जिसके ऊपर बीतती है ना, जिसे परेशानी होती है ना, वो ही बोलता है, उसी की आवाज निकलती है, बाकी किसी की आवाज नहीं निकलती है। दीदी बस मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ ना, जितने भी पार्षद है, जितने भी मंत्री है, क्या कभी वो आकर के बच्ची से मिले आपके? नहीं। इतने साल हो गए आपको, आपने हमेशा वोट दिया, वोट दिया ना आपने, तो आपकी गलती है ना। वोट देना ही नहीं चाहिए, मैं तो कभी वोट ही नहीं देता हूँ ऐसे लोगों को। दवाइयाँ तो कुछ यहाँ से मिलती हैं, कुछ वो अंदर से देते हैं। मोदी जी ने जन औषधि केंद्र का कि सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे, इसमें पूरी दवाइयाँ जो यहाँ लिखी जाती हैं? नहीं, कोई दवाई नहीं देता हमें, बाहर से आते लाते हैं। हाँ बाहर से लाते हैं दवाई, और उतने के तो हम कितने तो हम थक जाते हैं। कोई कहता है हाँ, और ये कहते हैं कि रसीद कटा के लाओ, बिल कटा के लाओ। बिल एक 786 का, 365 का, 565 का, ऐसे बिल कटता है। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अगर हम इतने पैसे वाले होते तो प्राइवेट में ना जाते, फिर सरकारी में क्यों आते? और यहाँ भटको ऊपर जाते हैं, तीन मंजिली पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नीचे आते हैं, फिर कहते हैं फिर ऊपर जाओ वो मिलेंगे, दूसरे नंबर में जाओ दूसरे नंबर में नहीं मिलते, तीसरे नंबर में जाओ वहाँ नहीं मिलते, फिर हम थक थका के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं बिल कटा के लाओ फटाफट। बिल कटा के लाते हैं वही 786 का, 788 का, 586 का, ऐसे हमें बिल बता देते हैं, फिर बिल कटा के लाते हैं, तब जाके बिल देते हैं। बहुत परेशानी है मैं बहुत ज़्यादा। आप अभी दवाइयाँ लेने जन औषधि केंद्र गए थे, आपको सारी दवाइयाँ मिल गई जो डॉक्टर ने? नहीं, कुछ भी नहीं मिली है जी। कुछ भी नहीं मिली जी। तो खाली खोला गया कि योजना चलाई गई है, व्यर्थ है। अब वही है जी, हमें तो मिली नहीं है। अब 1500 की दवाई ले आई है। जो यहाँ मतलब इस परिसर में जन औषधि केंद्र है, सरकारी दवा खाना भी है जी जी, तो जो दवाइयाँ डॉक्टर लिख रहे हैं वो यहाँ मिल जा रही है सारी? नहीं नहीं, कहाँ मिल रही है जी, एक मिल रही है, बाकी बाहर की लिख रहे हैं। जैसे आपका पर्चा है इसमें डॉक्टर द्वारा जितनी दवाइयाँ लिखी गई है सारी उपलब्ध है क्या आपको? सर इनके सब्स्टिट्यूट हमारे पे सारे उपलब्ध हैं, बट ये ब्रांड नेम लिखे हुए तो ये नहीं मिल पाएंगे ब्रांड नेम। मतलब इसका जो सॉल्ट सेम है, हाँ जी, लेकिन दवाई का कंपनी अलग है। कंपनी अलग है, हाँ दे देते हैं हम इसको, लेकिन अभी आए थे और ये वापस की सर हमने इसलिए इन्हें मना किया क्योंकि ये डॉक्टर फिर दवाइयाँ वापस करवा देते हैं। अगर सॉल्ट सेम हो, दवाई काम सही कर, काम सही, हाँ जी, तो डॉक्टर दवाई वापस करा, वापस करवा देते हैं, फिर मरीज वही मरीज दोबारा वापस आ जाएगा दवाई लेके कि डॉक्टर ने मना किया कि गलत दवाई है। यस सर, मतलब कंपनी का नाम बदलता है, दवाई सेम रहता है, सेम करती है, शरीर को वही करेगी जो इस कंपनी की करेगी जो, हाँ बिल्कुल। एक दवाई बाहर किया, उस दवाई की कीमत आपको कितनी है, यहाँ पे वो दवाई कितने की मिलेगी? बिल्कुल सर।
आपको सर जैसे प्रीमिथिन लोशन दिया गया है, ये वाली मार्केट में आपकी 60-65 रुपए की है, ये हमारे पे 35 रुपए की है यहाँ पे। ये तो 700 कुछ है। हाँ नहीं, ये वाली सर, ये जो रखा है ना बीच वाली ये वाली, हाँ जी, ये हमारे पे 35 रुपए की है। लेकिन ये मार्केट में प्राइस है यहाँ की, इसमें तो काफ़ी अंतर है दवाइयों में, पर वही है अभी हम दे देंगे, फिर आप आओगे बोलोगे सर गलत दवाई दी है। कंपनी से होनी चाहिए, साल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी दवाई, बिल्कुल सर, उस कंपनी की दवाई खरीद लो और साल्ट अगर सेम है, सॉल्यूशन सेम है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, पैरासिटामोल की गोली है तो कंपनी अगर दूसरे नाम से बेच रही है तो वो खरीद लो, लेकिन आपके पास जो पैरासिटामोल है वो नहीं खरीद, वो नहीं, हाँ क्योंकि यहाँ पे साल्ट पे है। हाँ बिल्कुल वही बात है सर, साल्ट पे नहीं चलेगी, साल्ट सेम हो कोई दिक्कत, मतलब वो ऐसा कोई समस्या होती है कि अगर पैरासिटामोल की मैं कोई दूसरी कंपनी की खाऊं और फिर दूसरी कंपनी की खाऊं तो मुझे कोई रिएक्शन हो जाए। ऐसा कैसे सर, जब सॉल्ट सेम है दवाई का तो रिएक्शन कैसे हो जाएगा? ऐसा बोलते हैं कि सेम दवाइयां अगर है जी जी, कंपनी अलग है तो आप बाहर से लेके आए, नहीं तो वापस करवा देते हैं। वापस करवा देते हैं मोस्टली सर, सारी दवाइयाँ वापस होके आती हैं यहाँ पे, नया नहीं कितनी है, कई बार करेक्शन करवा देते हैं, इसलिए क्या फायदा है बताइए। हाँ कोई ब्रांड नेम लिखा हुआ है सर दवाई में, अगर सॉल्ट लिखा हुआ है बताइए सर। ये एक मिले, एक मिला 45 का ये है। अरे डॉक्टर को कमीशन दे रहा है, क्या होगा, आप जन औषधि केंद्र में बैठो, आपको इतनी तो दवाइयों की जानकारी है। लेकिन सर देखिए होता है ना सर, एक दवाई को हजार वो कंपनी है, अब हजारों का नॉलेज तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो रनिंग आइटम है वो तो हमारे पास अवेलेबल रहता है 24 घंटे, बस ये कि सॉल्ट पता लग जाए तो हम तुरंत दे देते हैं दवाइयाँ। अब देखो सर ये ले रहे हैं, नॉलेज है एक तरह से, यहाँ सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, उससे लिख नहीं रहे, लिख नहीं रहे, ब्रांड का भी चर्चा हो जाता है सबसे मेन ना, इसलिए कमीशन के चक्कर में सर कहाँ लिखेंगे, वो सस्ती जो यहाँ मिलेगी जी, दवाइयाँ तो है यहाँ लेकिन वो लिखते ही नहीं है दवाइयाँ। जी जी, हम गरीब लोग हैं, पीस रहे हैं जी। इसमें सवाल हम इसलिए आए थे कि सुझाव लिए जाए कि दोनों हॉस्पिटल को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता, तो जनता के कुछ मुद्दे सामने आए जिसमें सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है कि बाथरूमों में सफाई है। उनका कहना है कि बाकी एरिया में पहले से बेहतर सफाई है, लेकिन जो बाथरूमों में कुछ बाथरूम ऐसे हैं जो बहुत गंदे हैं। और देखिए हम प्रत्येक दिन प्रत्येक बाथरूम की सफाई करवाते हैं, सफाई कर्मचारी हमारे पास हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बाहर की सफाई आप खुद देख सकते हैं, हमारे पास 100 सफाई कर्मचारी हैं जिसमें हमने डिवीज़न किया है, सुबह इतने लगेंगे, शाम को इतने लगेंगे, रात को इतने लगेंगे। सफाई की जहाँ तक टॉयलेट की है, सफाई की एक बार दो बार सफाई होती है, और पब्लिक तो पेशेंट तो है ही है, पेशेंट साथ पेशेंट का रिश्तेदार भी उसी टॉयलेट का इस्तेमाल करता है, दो बार हम सफाई कराते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। और अभी भी मैंने जब फीमेल अस्पताल में थोड़ी सफाई में कमी थी बाहर की, वो भी मैंने पूरी कर ली है, और वहाँ पर मैं गमले लगा रहा हूँ, उसमें प्लांट लगा रहा हूँ, उसमें चार हमारे पास छोटे छोटे जगह पड़ी हुई हैं, उसमें मैं एक एक करके उसमें घास लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आराम से मरीज और मरीज के तीमारदार बैठ सकें। ये कार्य मेरा चल रहा है, अभी पहले प्लांट वाला कार्य चल रहा है, उसके बाद मैं धीरे धीरे एक को ठीक करूंगा, तब चारों तरफ उसमें बाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें बैठेंगे वो ख़राब हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा तब दूसरे को तैयार कराऊंगा। उस कमी की वजह से हम अटेंडेंस नहीं दे पा रहे हैं, और वार्ड बॉय के लिए मैंने 200 वार्ड बॉय के लिए लिखा हुआ है, जैसे हमें वार्ड बॉय उपलब्ध हो जाएंगे जल्दी, हाँ डेफिनेटली पेशेंट की हेल्प के लिए बैठेंगे। कैसे होगा, मैन पावर की बहुत कमी है। देखिए मैं आपको अपनी लिस्ट बता देता हूँ, मैं हर पहली तारीख आपके अस्पताल नहीं नहीं मैं अस्पताल की बात नहीं, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं प्रत्येक पहली तारीख को जो अस्पताल में मेरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं उसकी कॉपी में प्रत्येक डॉक्टर से नोट कराता हूँ, एक कॉपी प्रत्येक डॉक्टर को देता हूँ, ये अस्पताल की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इन्हीं दवाइयों को लिखें, उनको इस बारे में प्रोत्साहित करता हूँ, इस बारे में मैं उनको थ्रेड भी दे चुका हूँ। और हर डॉक्टर का हाथ तो मैं नहीं रोक सकता क्योंकि डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन मैंने निर्देश निकाले हैं, आदेश दिए हैं, जो दवाइयाँ सरकार के पास उपलब्ध हैं वो सरकारी अस्पताल से ही लिखें, बाहर से मरीजों से न लिखी जाएँ। अगर
जन औषधि केंद्र भी है। देखिए 6 डिपार्टमेंट हमारे जा चुके हैं न्यू ओपीडी ब्लॉक में, और बाकी मेन 4 ओपीडी ब्रांच यहाँ पर हैं। एक हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन एंड गायनी डिपार्टमेंट इस ब्लॉक में है। वहाँ जा चुके हैं हमारी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पर है, जहाँ दवाइयों का कोई इस्तेमाल नहीं होता। जहाँ तक सवाल है ENT, आई, डेंटल, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक, चेस्ट एंड टीबी, 6 डिपार्टमेंट हमारे जा चुके हैं न्यू ओपीडी ब्लॉक में। अब 6 न्यू ओपीडी ब्लॉक से यहाँ आने में समय तो लगता ही है, इसलिए जन औषधि का केंद्र यहीं खोला गया है। अभी यहाँ 2 जन औषधि हैं, एक मेल में है, एक फीमेल में है। पर मेरा प्रश्न था कि जन औषधि का केंद्र खोला गया है, हमारी अभी पेशेंट से बात हुई है, उनके द्वारा एक पर्चा लिखा आया गया जन औषधि केंद्र द्वारा, उन्हें वापस भेज दिया गया था। क्यों? तो जब मैं उनके पास गया पर्चा लेके, तो उनसे मैंने पूछा कि मैंने ये है, ये दवाई उपलब्ध नहीं है क्या? बोल रहे सेम सॉल्ट की दवाई हमारे पास है लेकिन ब्रांड नेम नहीं है, तो डॉक्टर वापस करवा देते। नहीं, गलत है ये चीज़, जो चीज़ गलत है गलत है। सॉल्ट है, सॉल्ट की आप तो प्रिस्क्रिप्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं। आदमी जन औषधि केंद्र, जन औषधि दवाइयाँ लिखेगा, कैपिटल लेटर में लिखेगा, जो अंग्रेजी की जो डॉक्टर की राइटिंग होती है वो दुनिया में बहुत सुंदर होती है, उसको सिर्फ फार्मेसिस्ट पढ़ सकता और कोई नहीं पढ़ सकता। इसलिए ये आदेश की भी कॉपी दे दी गई है, और यहाँ से लिखने के लिए हम जन औषधि में, हमारे पास 30,000 तक की दवाइयों की बिक्री जन औषधि से हो रही है। मैं इसमें यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे मुझे जानकारी नहीं है कि अगर ब्रांड नेम अलग अलग हैं और सॉल्ट, जैसे पैरासिटामोल की मैं गोली खा रहा हूँ, बिल्कुल ब्रांड नेम अलग अलग है, सॉल्ट सेम है, तो काम बराबर करेगी? बिल्कुल करेगी। तो वही क्योंकि मैं नीचे पूछा तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास सॉल्ट तो सेम होता है, अल्टरनेट होता है। अभी उन्होंने बताया 65 रुपए का एक लोशन बाहर मिलता है, 35 का हमारे वहाँ है। बिल्कुल, लेकिन उसमें ये है कि हमने अगर ये दवाई दे दी तो डॉक्टर वापस करवा देते हैं, ये नहीं है। उनका कहना ये है कि जब वापस आ जाती है तो हम इसलिए मना ही कर देते हैं। नहीं, एक चीज़ ये बताइए, जो जन औषधि में, जन औषधि का एक नियम है, जन औषधि में सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, इसीलिए जन औषधि खोली गई है। जो डॉक्टर ये काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन हूँ, मैं आज तक बाहर से दवाई नहीं मंगाता, मैं आज तक कुछ नहीं करते हैं, मेरे कोई इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, एक केस मेरा इन्फेक्टेड नहीं हुआ, मैं ऑपरेट करता हूँ। मतलब एक आदमी की वजह से बदनाम हो रहे हैं, मतलब ये है कि कुछ लोगों की वजह से, 5% 10% लोगों ने इस चीज़ को दूसरे मोटिवेशन। किसी पे नजर तो रख नहीं सकते। देखिए हमारे यहाँ 48 चैम्बर हैं ओपीडी में, मैं 48 चैम्बर में 24 घंटे तो 8-9 बजे से ओपीडी चलती है, 3 बजे तक मैं नहीं देख सकता। मुझे ऑफिस का काम भी करना होता है, मुझे फीमेल अस्पताल भी देखना होता है, मुझे न्यू ब्लॉक भी देखना होता है ओपीडी। मुझे कोई भी परेशानी, कोई मरीज आता है मेरे पास शिकायत लेके, उसकी शिकायतों का निस्तारण भी करना होता है। अपने अस्पताल के क्या कहते हैं, लोगों की पे भी निकालनी होती है, रोज़ के कागज आते हैं, उन कागजों का जवाब भी देना होता है। इसलिए मैं हर समय हर डॉक्टर के पास रह नहीं सकता। जैसा कि हम आज अपनी टीम को लेकर मौजूद थे दून अस्पताल में, और आप, हमने जनता से बात की, जनताओं की बहुत समस्याएं भी सामने आई, बाथरूम साफ नहीं है, अटेंडेंट नहीं मिल रहे हैं, जो दवाइयाँ हैं कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बाहर से लिख रहे हैं, और ये भी देखा कि जन औषधि केंद्र में किस तरीके से दवाई उपलब्ध होने के बावजूद सिर्फ ब्रांड नेम की वजह से डॉक्टरों द्वारा वो दवाई वापस कर जा रही है, जबकि सॉल्ट सेम है, वो दवाई काम सेम करती है, लेकिन वो दवाई वापस कर दी जाती है। और आपने देखा किस तरीके से जन औषधि केंद्र में जो अटेंडेंट था उसने बताया कि जब हम स्वयं सॉल्ट की दवाई देते हैं तो वो दवाई डॉक्टरों द्वारा वापस कर जाती है, क्योंकि वो ब्रांड नेम सेम नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्यों डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, इसके बारे में हमने के टमटा जी से भी बात की, जो इस हॉस्पिटल के CMS हैं। ऐसे ही जनता के मुद्दे लेकर आपके बीच बने रहेंगे। मैं हेमचंद प्रोहित, कैमरामैन सुधीर चौधरी के साथ नेशन वन से। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।
तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।